अच्छा जी जी भाई, यहाँ तक किसी को परेशानी है? अच्छा, अब क्या होगा? आई थिंक मैंने आपको इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन की हो, जिस भी किस्म की फंक्शन हो, ओवरऑल ब्रैकेट हो या ना हो, मतलब यू नो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, रेसिप्रोकल हो, स्क्वेयर रूट वाला फंक्शन हो, रेसिप्रोकल में पावर वन हो, नीचे पावर टू हो या नीचे पावर थ्री हो, आई बिलीव सब करा दिया गया। सिर्फ एक काम नहीं हुआ, सिर्फ एक काम नहीं हुआ कि सर रेसिप्रोकल में अगर किसी की उसकी पावर है, अगर पावर माइनस वन होती है, ओनली देन इंटीग्रेशन। ए एस में, ए टू में मुमकिन है, ए एस में मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसका एक फॉर्मूला जी वो गरीब से डिफरेंस ऑफ फॉर्मूला है, वो उसको इग्नोर करेंगे भाई। जी जनाब, कोई सवाल पूछना चाहेंगे यहाँ तक के सवाल में, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में किसी ने कोई सवाल पूछना है? आई थिंक हंसला का मसला क्लियर हो गया होगा। अगर उसको इतना बता दिया जाए कि इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, यहाँ ये वाली एग्जांपल है, यहाँ तो माइनस टू से डिवाइड कराया गया, यहाँ इंटरनल फंक्शन का डेरिवेटिव बस थ्री, तो इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव की साइन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है बेटा, इंटरनल फंक्शन है यहाँ फाइव की डिफरेंस, तो माइनस टू डिफरेंशिएशन है ना, तो माइनस टू से डिवाइड कर दिया, यहाँ इंटरनल फंक्शन की डिफरेंशिएशन है थ्री, तो थ्री से डिवाइड कर दिया। समझ आ रहा है? जो भी इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उससे डिवाइड करना है। यहाँ इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन था फाइव की डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस टू, एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस टू, तो माइनस टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ इंटरनल, अब वो प्लस है कि प्लस से डिवाइड करेंगे, माइनस है तो माइनस से डिवाइड करेंगे, प्लस है तो प्लस से डिवाइड करेंगे, माइनस है तो माइनस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई मसला? ओके, अब एक काम करेंगे भाई, मैंने आपको एग्जांपल्स तो करा दिया इंटीग्रेशन की, मैं भी आपको थोड़ी देर में कॉन्स्टेंट्स की जगह क्या नंबर लिखेंगे सी की बजाय, फिलहाल सी लिखें भाई, फिलहाल सी लिखें, ये बात की बात है, सी की जगह क्या करेंगे, अभी तक सी ही लिखेंगे, अभी तक मैं सी सी ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको मैं एक वर्कशीट भिजवाऊंगा आफ्टर माई क्लासेस, आफ्टर माई क्लासेस आपको एक वर्कशीट भेज दी जाएगी जिसमें आपने सिंपल सिंपल इक्वेशनें होंगी, उन इक्वेशनें होंगी या फंक्शंस होंगे, उन इक्वेशनों को या उन फंक्शंस को आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है। जहां तक ताल्लुक है एप्लीकेशंस का, जैसे आपने पहले एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़नी है, इंटीग्रेशन पढ़ाऊं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, एंड आई थिंक मैं आज वो प्रॉपर एप्लीकेशन से स्टार्ट करूंगा। बस आज क्या करना चाहिए था, आज मैंने आपको ये फंक्शंस, ये रूल्स रिव्यू करवाए हैं, रूल्स रिव्यू करने के बाद एग्जांपल्स करवाई हैं, एग्जांपल्स में आया होगा आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इंटीग्रेट करना होता है, पावर में एक ऐड करना है, न्यू पावर से डिवाइड करना है, कोफिशिएंट को कुछ भी नहीं कहना, हर दफा एंड पे सी लिखना है, और इंटरनल फंक्शन के डेरिवेटिव से एंड पे जाके डिवाइड करना है, और ये जो जिसकी पावर एक्स, मतलब ये जो वन ओवर एक्स टाइप चीज है जिसमें एक्स की पावर माइनस वन है, बस कॉन्स्टेंट कुछ भी होगा, अभी हमें नहीं पता। सो यू नो हम क्या कह रहे हैं, हम बस इतनी सी बात कर रहे हैं बेटा, फिल वक्त सी क्या है क्या नहीं है, मुझे तो हमें उसकी नहीं समझ आ रही ना, सी की भी हमें समझ नहीं है, हमें किस चीज की समझ है, हमें इंटीग्रेट समझ आ गया है, क्या रह गया है, एप्लीकेशंस रह गई हैं, आज के लेक्चर में उन्हीं पढ़ाऊंगा, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको एप्लीकेशंस पढ़ाऊंगा। अभी आई बिलीव मैथ्स का लेक्चर एंड करता हूं, इसकी आपको एक वर्कशीट थोड़ी देर में भिजवा दूंगा। बेटा आई थिंक मलाइका कामरान अपनी वीडियो ऑफ करेंगे, मलाइका बेटा अपनी वीडियो ऑफ करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज अपनी वीडियोस ऑफ रखा करें, आप वीडियोस ऑन किया करें। He is waiting in waiting room. नहीं बेटा उनको बोले दोबारा दोबारा एंटर हुए नहीं, बहरहाल जी आई नो बेटा उनको कहिए दोबारा सेंटर हुए, दोबारा सेंटर में मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं आ रही। मैथ्स के लेक्चर को क्या करते हैं भैया जी, मैथ्स के लेक्चर को एंड करते हैं, इसके लिए वर्कशीट आपको भिजवा दी जाएगी थोड़ी देर में, व्हाट्सएप के ऊपर भिजवा दी जाएगी, उसको प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसी नोट्स के आगे, ठीक है, जो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी कल डिस्कस कर लेंगे, वहां से आगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के टॉपिक पढ़ेंगे।